अरे भाई तेरा माँ मेरा माँ बताइए तो माँ बहन की गाली कैसा मानसिकता का इंसान है भाई तू। आर जैसे के उनका लड़का को सागर तुम उल्टा फुल्टा गाली दिया टोपी बाज बोला काका बोला तुमको कुछ किया गाली देता है रे मुंह पे देना गाली जवान टाल लेंगे तेरा रे हम। पर माँ को मालूम भगवान से भी ज्यादा मानता हूँ अपनी माँ को समझे माँ उसका भी घर मालूम एक बेटी लक्ष्मी है मेरा माँ बहन गाली दिया मेरा माथा देख ले मेरा कैसा आंख मेरा देख लो कैसा मेरा मुंह सटका हुआ है अभी सोए हुए थे देखिये वो नमूना फोन किया है सुनिए पहले क्या क्या बोल रहा है इतना गंदा गंदा गाली मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ जी उसका माँ मेरा माँ सेम टू सेम समझे वो माँ बहन को गाली दे सुनिए पहले क्या बोल रहा है। हेलो हाँ हेलो हाँ पंकज मदसिया बोल रहे हैं। अरे तुम रखो ना फोन भाई तुम रखो फोन तुम्हारा काम यही है तुम्हारा भाई काम यही है समझेगा नहीं तुम्हारा काम यही है बिहारी सुनो इधर। हेलो हेलो मिस्टर तो ढंग से बात करो तो ढंग से बात करो समझेगा नहीं तो हलवा डाट कर देंगे जा मिलना वहाँ पर बात सुनो तुम अभी बोला ना भोसड़ी बेटा एक बात मिलने माउंट चलेगा ठीक है बेटा बोलो 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 यदि तुम बोलिए कर रहा है इंसान सला आज सला कुछ रुपया कमा लिया था अंग्रेजी बोल रहा है सर बात कितना सुन लिए कैसा इंसान है घटिया इंसान बताइए तो। अरे भाई तेरा माँ मेरा माँ बताइए तो माँ बहन की गाली कैसा मानसिकता का इंसान है भाई तू। हाँ माँ पे मत जाओ फैमिली पे मत जाओ यार तुमको अंदर में मर्द वाला बात है मिलो फरिया लो दो दो हाथ हो जाए तेरे अंदर इतना चुल मचा हुआ है कीड़ा काट रहा है पैसा का मिल लो मालूम है जी सोचे बताए जब वीडियो तो नहीं बनाएंगे बहुत सारा भाई लोग कमेंट करते भैया ऐसा वीडियो मत बनाइए ये उंगली कर रहा है बताइए तो गलत आदमी से पंगा ले लिया भाई रोड पे चलते आप समझे पंगा मत लीजिए भाई समझे रोड पे चल रहे हैं पंगा ले रहे ड्राइवर से पंगा ले रहे हो भाई आप जो गाली दिए है ना मैं छोड़ूंगा नहीं भाई इसका मैं आज ना कल कभी ना इसका मैं हिसाब लूंगा समझे जो जो गाली दिए हो ना लगातार अभी तक आप लोग के मामले बेसी सुनाया नहीं हूँ ऐसे ऐसा गाली दिया है बाकी उसको तो मैं बताऊंगा भाई कभी मिलो उस दिन पता चलेगा समझे कि नहीं। और एक बात बोलो बताइए और एक बात गाली दे रे बिहारी सला बताइए तू बिहारी सला अरे बबुआ तुमको बिहारी से भेंट होल बा रे जिस दिन भेंट हो जाए ना उस दिन थोड़ा मालूम है लंगा करके मारी समझला कि नहीं अभी थोड़ा बिहारी से अभी थोड़ा भेंट नहीं क्यों होल बा जिस दिन भेंट हो जाए ना हो या थोड़ा लंगा करके मारी समझला कि नहीं रे बिहारी ससुर के नाती इंसान है न बे दिमाग है तेरे अंदर पैसा कमा लिया आराम का बुद्धुद्दी नहीं है हाँ किसी का माँ बहन को पता ही तो रोहित का भी देखिए माँ बहन ने दिया गाली रोहित का माँ बहन ने दिया गाली हम वीडियो में हम आपको नहीं सुनाए क्यों सुनाए भाई रोहित को बुरा लग जाएगा समझे ऐसा इंसान घटिया है चलिए क्या कीजिएगा उसका मानसिकता उसका अलग है उसका मालूम है जी घर में सबसे अच्छा हमको लगता है उसका नहीं ननकी भाई है पढ़े लिखे इंसान है बाकी ये एक लंबे घटिया है पता जा से जब रोहित नहीं आया था ना इसका मालूम घर में इसका कोई औकात नहीं था मालूम वैल्यू नहीं था समझे इसका कोई घर में वैल्यू नहीं था जब से इसका रोहित आया ना जब से इसका मालूम थोड़ा बहुत घर में वैल्यू हो गया है हमको सिखाएगा पता नहीं है हाँ पहले वैल्यू था अब पैसा आने लगा तो थोड़ा बहुत सब मान दान करने लगा तुमको है
पियक्कड़बाज, नशाबाज, वीडियो है वो वीडियो डाल देंगे हम, माथा खराब किया ना उस दिन डाल देंगे वीडियो। मैं जो कुछ भी हूँ अपने दम पे हूँ, अपने मेहनत से, अपने लगन से, तुम्हारे ऐसा नहीं, तुम्हारे ऐसा नहीं हूँ मैं, समझा? घटिया इंसान, कटून, बताओ यार ऐसा इंसान, माँ बहन के गाली बताइए उसको। मैं फोन किया, बोला भाई फोन रखो, तुमसे बात नहीं करूंगा मैं, वो लगातार गाली पे गाली दे रहा है। पगला हुआ गए हो, अभी बिहारी से भेंट नहीं हुआ तुमको, भेंट हो जाएगा बिहारी से तुमको जल्दी भाई, समझे? चले जी, ये नमूना से जिस दिन मिल जाएगा उसको मैं उस दिन बताऊंगा गाली क्या होता है, माँ बहन का इज्जत सम्मान क्या होता है। ससुर के नाती पागल कहीं के ड्राइवर का नाम खराब कर रहा है रे, हाँ ड्राइवर का नाम खराब कर रहा है, तू बड़का ब्लॉगर बन गया है ये सोचते मारा हम ना आर जैसे बन जाएगा, जीवन में बन पाओगे, 7 जन्म लग जाएगा तुमको बनने में, हाँ तुम आर जैसे के उनका लड़का को सागर तुम उल्टा फुल्टा गाली दिया, टोपीबाज बोला काका बोला, तुमको कुछ किया हाँ? वो होता इंसान का परख, कौन इंसान कैसा है, तुम एक नंबर का नीच इंसान है, नीच इंसान, समझा? गाली देता है रे, मुंह पे देना गाली, जवान टाल लेंगे तेरा रे हम, समझा? जो जो गाली दिया है ना मुंह पे, फेस टू फेस मिलना, एक बार मेरे माँ बन के तू एक बार गाली देना, उस समय तक जवान टाल लेंगे ससुर के नाती, समझा? उस समय तेरा मामू चलेगा। ससुर के नाती फोन पे गलिया रहा है, हाँ ना मर्द कहीं के भकुआ, इसको कोई बिहारी से इसको भी भेंट नहीं हुआ, कोई बिहारी से इसको जल्दी भेंट होने वाला है, समझे? जो जो गाली दिया ना बिहारी का, रे बिहारी ऐसे तैसे, वो समय डाला नहीं हूँ, मिलो कभी मेरे से। कटून कहीं के अपना तेरा तीत है, अपना अंदर तेरा बलबूता है, अपने ऊपर चल ना बे, हैं फोन करता है तू मिलो, लास्ट वार्निंग है और लास्ट वीडियो है, जिस दिन मिलो उस दिन तेरा बताएंगे, हिसाब लेंगे हम गाली का। तू बोला ना माँ बहन के, मेरा बहन जैसा घर में तेरा औकात है बे, माँ बहन में जाएगा किसी का रे, तू मिल मेरे से कभी भी। ए मालवा जी, ये मर्द होता ना तो मेरे से बोलता भाई तुम मिलो मेरे से, हमको खुशी लगता, चलो भाई कोई मर्द वाला बात किया है, मिलो कभी मिलो। ए ससुरा लगा लगा गाली देने, माँ बहन के स्टार्ट कर दिया, अरे लिच इंसान, लिज्जर, पागला, कभी तो मिलवा तू हमरा से, कभी तो वोट होइबा। आज से बाद भाई लोग इसको ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, ये लास्ट वीडियो है, इसको अब इंतजार रहेगा मेरा, कभी मिले जो जो गाली दिया ना इसको मैं बताऊंगा। दिमाग आउट है समझे, जब से मैं टेंशन में हूँ, मानो जब अपना माँ को मानो जो भगवान से भी ज्यादा मानता हूँ, अपनी माँ को समझे, माँ के लिए मानो जब बहुत कुछ किया हूँ, मेरे लिए माँ बहुत कुछ किया है, बहुत गरीबी झेला हूँ, जो गरीबी से मैं निकल कर यहाँ आया हूँ, माँ को मानो कुछ किया हूँ समझे। आए वो इंसान नमूना घटिया इंसान, माँ बन देता गाली, लगता है वो अपना माँ बन को ना ऐसे मालूम बोलता हुआ समझे, अपना माँ बहन को ऐसे वो बोलता होगा, उसका भी घर में मालूम एक बेटी लक्ष्मी है समझे, वो और किसी के माँ बहन के गाली दे रहा है, वो भकुआ तेरे अंदर क्षमता है, तुम मेरे से बात करता मिलता ना यार, मिल लो कहीं, कलकत्ता आता है ना, तुम कहाँ मिलेगा बताओ, लोकेशन दो मेरे को, वहां पर आऊंगा मैं, अकेला आऊंगा समझा, हाँ तेरे अंदर क्षमता है मिलने का, जिस दिन मिल जाए उस दिन तुमको मालूम चलेगा। मैं भाई इसका कोई माफी नहीं है भाई, जो ये गाली दिया है ना इसका कोई माफी नहीं है समझा, आए तुम क्या है बे, आए दादा के जमीन बेच कर दो तीन गाड़ी ले लिया तो क्या पैसा वाला समझ रहा है, उसे सामान बहुत बैठा हुआ समझा, उतना गर्मी से नहीं बोलता है, इतना गर्मी है क्योंकि हराम का है समझा, आए गाली देगा किसी का, कभी मिलो भाई इसका कोई माफी नहीं है तुम्हारा, इसका मैं हिसाब लूंगा अच्छे से लूंगा, कभी तो मिलो भाई, रास्ता पे चलते हो कहने कहीं तो टकराएंगे, उस दिन पता चलेगा समझा। ये ऐसा नीच इंसान है आर जी जी को, मैं ये इंसान ऐसा हम लोग के सभी ड्राइवर भाई का जितना भी उसका है ना भी चाहने वाला सभी को फोन किया, उसको माथा में उल्टा पुल्टा बोला, घटिया घटिया बात बोलो, राजीव जी के गलत शब्द बोलो हम लोग, मैं तो कुछ गलत बोला नहीं था, गाली दिए नहीं थे, बस थोड़ा रोहित के बारे में बोले थे, हम माफी मांगे उनसे मिले, माफी मांगे हम समझे, आए बाकी ये इसको माफ नहीं करेंगे क्योंकि हम उस पर गलती किए थे, अभी गलती नहीं किया हूं, बाकी इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको तेल निकाल दूंगा समझे, अबे तेली तेली, अबे ससुर के नाती बनिया तेली, अबे तेरा बेच देंगे मैं हुए पे, मालूम नहीं चलेगा तेरा पता है, हलवाई जाके पूरी खीर बनाओ समझा, छोट बुद्धि, छोट नीच इंसान, घटिया कार्टून,
मेरा माँ बहन गाली दिया, मेरा माथा देख लो, मेरा कैसा आंख मेरा देख लो, कैसा मेरा मुंड सटका हुआ है। ये गुस्सा कम नहीं होने वाला बाबू, जिस दिन तुम टकराओ मेरे से उस दिन तेरा हिसाब करेंगे हम। हाँ, इसका माफी नहीं है। हाँ, आज तक एक आदमी से मालूम मार कर लिए थे, माँ के गाली दे दिया, मार पीट कर लिए थे, उसको नक्शा बिगाड़ दिया थे हम, समझा। जिस दिन तुम मिल जाएगा उस दिन तुमको मालूम चलेगा, समझा। रजेश साहू कौन है बताओ, इसका भी घर में माँ बहन बीबी बेटी सब है। हाँ, दूसरे के माँ बहन तू गाली देगा रे? तेरा माँ बहन को हम गाली दिया, मैं दिया के बारे भी मैं बोला भी गाली मत दो माँ बहन पे मत जाओ, तुम बात से लड़ो। ससुर नहीं जीत रहा था गाली से, गाली के मुंह बोल रहा है रे? नीच इंसान, हरकत इंसान, कार्टून भकुआ लफंदर दाऊंगा। जो गाली का वर्ड किया है ना, यूज किया है, इसका जैसा मालूम हम नीच नहीं है, समझे, संस्कारी इंसान हो जी, घर परिवार वाले है। अगर ये ससुर के मेरा बहन जिस घर में है रे, तेरा औकात है रे, उसको देखने के औकात है रे भकुआ। जैसा मैं बहन का शादी किया हूँ, छोटी बहन का, आए अपना पैसा मार खर्चा कमार कमा के अपना पैसा खर्चा किया, समझा, बहन की शादी में, समझा रे भकुआ। चूरा जमीन बेच के लिया गाड़ी दादा बाबा के, हम ना गाड़ी के कमाई से, अभी मेरे पास उतनी गाड़ी रहता तरक रे, अभी भी मेरे पास, अभी भी मालूम जब ले सकता हूँ, बाकी नहीं ले रहा हूँ, मजाक स्थिति के कारण। ये ससुरा थार स्कॉर्पियो दिखाता, तेरा कुछ है, तू कमा के लिया है, हाँ, तू सबको धमकी देता है, मेरे पास ये है सुपारी है, घंटा है, मालूम है, इतना ही उम्र में मालूम क्या किया हूँ, मन के शादी किए, निम्न खर्चा किया हूँ, घर बनाए, जमीन लिए, अभी मैं मालूम गाड़ी लेने